अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह फैसल कॉलोनी की आवाम और जिनके यहाँ प्यारे मतलब के आराम गाह में आराम फरमा रहे हैं, उनके लिए उनसे भी मेरी गुजारिश। देखें, कब्रिस्तान में जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, एक तो इसको क्लियर करवाएं, दूसरा फिर ये कि कब्रिस्तान में तकसीम करने के लिए जगह मौजूद नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है। शाह फैसल कॉलोनी इतना बड़ा है, फिर पहले से ज़्यादा आबादी भी बढ़ गई है, तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है ना कि कब्रिस्तान की जगह नहीं। वसीम अख्तर भाई ने एक दफ़ा, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और कहा था कि वसीम अख्तर भाई ने तकरीबन 5,000 कब्रों की जगह पर प्रोवाइड की थी, लेकिन उस बात को भी तकरीबन 4 साल या 5 साल गुजर चुके हैं तो वो जगह भी फुल हो चुकी है। अब ये कब्रिस्तान पूरा फिल हुआ हुआ है, तो खुदा रहा मेरी गवर्नमेंट से, सरकारी इदारों से गुजारिश है कि शाह फैसल की आवाम को या तो इस कब्रिस्तान को थोड़ा वसी करवाया जाए या कोई दूसरी जगह दी जाए कब्रिस्तान के लिए। शाह फैसल का क्या, पूरे कराची का तकरीबन यही हाल है कि जगह ही नहीं है कब्रिस्तान के लिए, अपने प्यारों को आराम गाह के लिए भी, तदफीन करने के लिए भी हम लोग को परेशानी है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ के मकामी शाह फैसल 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ग्रीन टाउन अदीमपुरा रफ़ेआम, तो सबकी अक्सर मैयत है, जो घर वाले हैं बेचारे अपनी आराम गाह के लिए इधर ही आके तदफीन करते हैं। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश कि खुदारा जगह प्रोवाइड की जाए और कब्रिस्तान में जगह दी जाए और अब जुल्म जो है वो आवाम के साथ बंद किया जाए। इतना टैक्स देने के बाद ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, फिर एक आराम गाह बचती है कि चलो बंदा मर गया भाई, परेशानियों से, दुखों से, जुल्म से, बेरोज़गारी से, गमों से, तो उस मरने के बाद भी परेशानी है। तो खुदारा के कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी जाए शाह फैसल वालों को, आपकी बड़ी करम नवाजिश होगी सर, मेहरबानी फरमाएं। रमज़ान का नेक महीना है, आवाम को जगह प्रोवाइड करें, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया के साथ, अल्लाह हाफिज़।